राम राम जी। सारे नाम गुरु सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो जी मैंने कुछ आसन सीखे हैं तो उनके बारे में आपको बताती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि अब रूटीन आसन किया करूँगी मैं, ताकि शरीर की भी थकावट सी दूर हो जाए और शरीर भी फिटनेस सा हो जाए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने आसन। जी हाँ, आज हम जिस योगासन को करने जा रहे हैं उसे हम स्वास्तिका आसन कहते हैं। स्वास्तिका आसन के अभ्यास के लिए नीचे दरी बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद योगासन को करने जा रहे हैं उसे हम स्वास्तिका आसन कहते हैं। स्वास्तिका आसन के अभ्यास के लिए नीचे दरी बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद दाएं पैर को घुटने से मोड़कर सामान्य स्थिति में बाएं पैर के घुटने के बीच दबाकर रखें और बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं पैर की पिंडली पर रखें। फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा बना लें। इस मुद्रा में तीनों उंगलियों को खोलकर तथा अंगूठे व कनिष्ठा उंगली को मिलाकर रखें। अब अपनी दृष्टि को नाक के अगले भाग पर स्थिर कर मन को एकाग्र करें। आसन की इस स्थिति में जितनी देर संभव हो उतनी देर रहें। इस आसन के अभ्यास से पैरों का दर्द दूर होता है, पैरों में पसीना आना व पसीने से बदबू आना दूर होता है। इस आसन का अभ्यास आप 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। अब बात करेंगे गौमुख आसन की, जो कि आज का दूसरा। चलो कोई ना, सीखिए। चलिए दूसरा करो। एक दब कर ले, सांस पकड़ ले, ले नुआ जा फिर। ओ अच्छा, दूसरा आसन कर ना, यू आसन कर दे दूसरा। बैठे बैठे ठीक है। इसे करने के लिए दोनों पैर सामने फैलाकर बैठें, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर इस तरह रखें कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हो जाएं। दाएं हाथ को ऊपर उठाकर पीठ की ओर मोड़िए तथा बाएं हाथ को पीठ के नीचे से लाकर दाएं हाथ को पकड़िए। गर्दन और कमर सीधी रखिए। एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। कुछ सेकंड इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। यह आसन अंडकोश वृद्धि एवं आंत्र वृद्धि में लाभप्रद होता है। धातु रोग, बहुमूत्र एवं स्त्री रोगों में भी ये लाभकारी माना जाता है। अब हम करेंगे आज का तीसरा आसन, जिसे गोरक्षासन कहते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बैठकर पांव सामने फैलाएं, पांव को घुटने से मोड़ें और अब दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ लेकर आएं। ध्यान रहे छाती ना मुड़े, दोनों घुटने जमीन से सटे हुए हों, हाथ घुटनों पर रखें, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। इसके बाद जितनी देर तक संभव हो इसी मुद्रा में रहें। कुछ देर इस मुद्रा में रहने के बाद वापस अपनी आरंभिक अवस्था में लौट आएं। तो इस तरह गोरक्षासन का एक चक्र पूरा हुआ। आप इस चक्र को 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे आज का चौथा योगासन, जिसे कि पादुंगाष्ठासन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे के समानांतर रखें। थोड़ी भी छोड़ दी मां, आगे की ओर छोड़ थोड़ी। आपका सिर तथा धड़ दोनों एक साथ आगे बढ़ने चाहिए। अपनी उंगलियों से पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ें। अब कोहनियों को सीधा करें, गहरी सांस लें और धड़ को उठाएं।
फिर से आगे की ओर झुकें तथा उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ें। निरंतर सांस लेते रहें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाएं। यह आसन करने से मस्तिष्क शांत होता है, चिंता तनाव और हल्के अवसाद से राहत मिलती है, लीवर और किडनी भी सक्रिय रहते हैं, जांघों में मजबूती आती है, पाचन तंत्र प्रजनन तंत्र को उत्तेजित करता है यह आसन, साथ ही सिर दर्द और अनिद्रा से राहत मिलती है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट डे में बताए गए इन योगासन से आप लाभ जरूर उठाएंगे। कल फिर मिलेंगे योगासन की दूसरी क्लास में कुछ नए योगासन के साथ।